नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वहां प्रियंका गांधी लड़ने लगी हैं। गठबंधन के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के प्रचार में प्रियंका उतनी ही गंभीर हैं जितनी रायबरेली में राहुल गांधी के लिए। उन्होंने कहा भी है कि रायबरेली और अमेठी में 20 मई के मतदान तक वहीं रहेंगी। इसका तो मतलब यही है कि कांग्रेस भी अमेठी और रायबरेली की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही। हम आज के वीडियो में अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी के भाषणों और सभाओं पर बात करेंगे। प्रियंका अमेठी की जनता को याद कराने लगी हैं कि उनके परिवार के साथ किस तरह के रिश्ते रहे हैं, लेकिन वे इसी के साथ अपने परिवार से जुड़ी यादों को भी राजनीति के केंद्र में ला रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी ने देश के दूसरे हिस्सों में परिवार को याद नहीं किया, लेकिन जिस तरह से वे अमेठी और रायबरेली में बात रख रही हैं उस पर अलग से चर्चा होनी चाहिए। इस पर भी कि राजनीति में पार्टी और परिवार की बहस के बीच प्रियंका गांधी यहां आकर परिवार को लेकर इतनी मुखर क्यों हो जाती हैं। अमेठी और रायबरेली की लड़ाई एक एक वोट की लड़ाई होती जा रही है। प्रियंका गांधी ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है, इसलिए प्रियंका गांधी रास्ते में रुककर इस महिला का फोन नंबर नोट कराने की बात करती हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता दौड़े चले आते हैं और नंबर नोट करने लग जाते हैं। यहां प्रियंका गांधी महिलाओं से जब बात कर रही होती हैं तब अमेठी की महिलाओं की गरीबी भी दिख जाती है, और उनकी गरीबी इतनी लंबी हो चुकी है कि वे बस चंद शिकायतों के लिए किसी बड़े नेता, सांसद या उम्मीदवार का इंतजार कर रही होती हैं। प्रियंका के जनसंपर्क अभियान के वीडियो में आपको जितना भी अमेठी दिख रहा है, अंदाजा हो रहा होगा कि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, और जब खेती की खराब हालत होती है तो गांव के लोग इसी तरह साधारण, कमजोर और गरीब नजर आने लगते हैं। स्मृति ईरानी के हैंडल पर भी आपको ऐसे कई वीडियो और फोटो मिल जाएंगे जहां आप देख सकते हैं कि अमेठी और रायबरेली में चुनाव वैसे ही हो रहा है जैसे आम तौर पर लोकसभा के उम्मीदवार चुनाव लड़ा करते हैं। नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के जरिए, रैलियां तो एक दो ही होती हैं, लेकिन चुनाव लड़ा जाता है मोहल्लों, बाजारों और चौराहों पर खड़े होकर। जैसे ही घोषणा हुई कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, गोदी मीडिया ने अमेठी और रायबरेली से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। यह अमेठी के साथ बहुत अच्छा हुआ। जहां मीडिया का तमाशा नहीं होता, असल चुनाव वहीं होता है। स्मृति ईरानी के रोड शो में उसी तरह की भव्यता दिखाई देती है जैसी बीजेपी की अन्य रैलियों में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रोड शो के दौरान बुलडोजर पर बैठकर लोग फूल बरसा रहे हैं, मगर अब मीडिया के ऊपर है कि वो वहां की जनता के दोनों पक्षों को सुने, स्मृति ईरानी को सुने और प्रियंका गांधी को भी, स्थानीय मुद्दों के हिसाब से अपना फैसला तय करे। मीडिया का इंटरव्यू अक्सर उम्मीदवार को तथाकथित राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ले जाता है। कोई चैनल स्मृति ईरानी से तो पूछेगा नहीं कि चलकर अमेठी का विकास भी दिखा दीजिए। कैमरा ऑन होते ही उनका भाषण मुसलमान की आबादी, राम मंदिर पर चला जाएगा और इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। तो एक तरह से मीडिया ने अमेठी से दूरी बनाकर अमेठी का बहुत भला कर दिया, उसे अपने लिए सोचने का वक्त दे दिया। प्रियंका गांधी अभी तक अमेठी और रायबरेली में 40 से अधिक सभाएं कर चुकी हैं। उनके कार्यक्रम के जो चुनावी पोस्टर आते हैं उनमें लिखे हुए जगहों के नाम बताते हैं कि अमेठी में सब अमेठी नहीं, रायबरेली में सब रायबरेली नहीं है। मैं उन नामों को पढ़ना चाहता हूं जहां प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाएं करती हैं, जनसंपर्क करती हैं, इन्हीं जगहों पर स्मृति ईरानी भी करती हैं। थुलवासा, महाराजगंज, हलोर, भवानीगढ़, गुहा, तिलेंडा, बछरावा, इचौली, सुदौली, कलसहा, राजापुर, बेलाखारा, बेला टेकई, उतरपारा, भाव, लुधवारी, भदोखर, भरतगंज, सकरा, सूची, मटका, कमालगंज, सलोन, परदेशपुर, डीह, नसीराबाद, परैया, नमकसार, गांधीनगर, बस अड्डा जायस, वहाबगंज थाना, बहादुरपुर थाना, इन सभी जगहों पर प्रियंका गांधी का मंच छोटा होता है, बेहद साधारण होता है और कपड़े के शामियाने के भीतर सभाएं होती हैं। रैलियों का शाहीपन प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों में नहीं दिखाई देता। स्मृति ईरानी के कार्यक्रम भी ऐसी जगहों पर होते हैं, मगर उनकी भव्यता कुछ और होती है। राष्ट्रीय नेताओं को बड़ी रैलियां करने की आदत होती है, लेकिन अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी मुखिया के चुनाव की तरह लड़ने लग गई हैं।
11 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, शाम 7 बजे तक जारी रहता है। रात के वक्त बिजली चली गई तो प्रियंका गांधी बिना माइक के ही भाषण देने लग गईं। कार की छत पर खड़ी हो गईं तो लोगों ने मोबाइल फोन से रोशनी कर दी। ऐसी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से आते ही मीडिया में वायरल हो जाती हैं। लेकिन प्रियंका की यह तस्वीर वायरल होने के बाद भी चुनाव की प्रमुख या यादगार तस्वीरों में शामिल नहीं हो सकी। प्रियंका ने उस वक्त बिना माइक के ही भाषण शुरू कर दिया, लोगों से सवाल पूछने लगी और लोग भी जवाब देने लगे। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता, यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। गोदी मीडिया होता तो प्रियंका गांधी से स्मृति पर और स्मृति ईरानी से प्रियंका गांधी पर बयान लेकर अपना चुनावी मैदान सजा लेता। कई बार मीडिया के जरिए चुनाव को बड़ा बनाने के चक्कर में छोटा बना दिया जाता है। ऐसे नाम और इलाके अमेठी और रायबरेली से गायब हो जाते हैं। इस पोस्टर पर नजर डालिए, प्रियंका गांधी के पीछे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर है। अमेठी और रायबरेली की सभाओं में प्रियंका पुरानी बातों को याद कर लोगों के साथ परिवार का रिश्ता बनाती हैं, साथ ही अपने परिवार के साथ क्या क्या हुआ यह भी याद दिलाने लगी हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत की बात कर विरासत के आरोप का जवाब देती हैं जो प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी और राहुल गांधी पर लगाए हैं। जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या हुई तब राहुल और प्रियंका की उम्र क्या ही थी। इन दो घटनाओं ने दोनों को कितना बदला होगा, उसके असर में बहुत बुरा परिवर्तन भी आ सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका गांधी को अमेठी की जनता ने लंबे समय से देखा है, जब वे अपने पिता के साथ यहां आया करती थीं और बाद में मां और भाई के लिए प्रचार संभालना शुरू कर दिया। चुनावी रिपोर्टिंग की अपनी जल्दबाजियां होती हैं। हमने अमेठी में प्रियंका गांधी के पहले के भाषणों को नहीं देखा, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग तरीके से प्रियंका गांधी अमेठी के साथ रिश्ते की बात उभार रही हैं और अपने परिवार पर जो बीती है उसे याद दिला रही हैं। एक सवाल यह भी है कि उन्होंने देश भर में कई सभाएं की, उन सभाओं में भी याद किया मगर बहुत छोटा सा प्रसंग रखा। अमेठी के जिस भाषण की बात हम कर रहे हैं उसमें प्रियंका बहुत विस्तार से बात करती हैं। क्या यह बदलाव धीरे धीरे आ रहा है या अमेठी ने उन्हें सहज बना दिया है? प्रियंका अब उन दिनों को लेकर पब्लिक में बोलने लगी हैं, बाहर की दुनिया में अपने भीतर की बातों को बाहर ला रही हैं। कर्नाटका की सभा में उन्होंने अपने पिता की शहादत का जिक्र किया, लेकिन अमेठी की थोड़ी सी जनता के बीच अपने पिता के खो देने के डर और खो देने के बाद के दर्द को धीरे धीरे साझा करने लग गई। पब्लिक के बीच यह सब कहने का आत्मविश्वास क्या क्रमशः आ रहा है या इस बार उन्होंने कहने का कोई खास इरादा किया है? कुछ समय बाद जब वो चुनाव, देश का जो चुनाव है वो हारे, यहां से तो जीते ही थे, तो उनके ऊपर काफी, मतलब उनकी सुरक्षा की काफी ये संदेह था कि कोई कुछ करेगा उनको। उनकी माताजी की हत्या हो चुकी थी, हम सबने बचपन में वो देखा था, वो क्षण देखा था। अब मैं 17-18 साल की थी, पिताजी के लिए प्रचार किया था, पिताजी जो बड़ा चुनाव है वो हार गए, लेकिन अमेठी से फिर भी जीते थे। सुरक्षा की बढ़ के बड़े सवाल थे, हफ्ते 5 दिन व्रत रखती थी कि पिताजी सही सलामत घर आ जाएं। एक बार तो मौन व्रत भी लगने लग गई। पिताजी ने कहा, तुमने आज ये दिन क्यों, इतवार के दिन? उन्होंने कहा, ये दिन क्यों चुना तुमने मौन होने के लिए? इसी दिन को कुछ घंटे मिलते से बात करने के, बाकी समय मैं काम करता रहता हूँ। पिताजी ने हारने के बाद मेरे ख्याल से दुगना या 3 गुना काम किया होगा जितना उन्होंने जीतने के समय किया। जनता के बीच जाते थे, सद्भावना यात्रा की,
रात के 4:30 बजे तक 3 बजे तक काम करते थे। मैं तब तक नहीं सोती थी जब तक उनकी चप्पल की आवाज मेरे कमरे के बाहर से गुजरती थी। मुझे सुनाई देता था कि पिताजी घर आ गए, तब नींद आती थी। घबराहट होती थी कि कोई कुछ कर ना देने। 2 साल बाद 1991 में एक फोन आया, किसी ने कहा कि पिताजी को कुछ हो गया है, पता करो। चुनाव प्रचार में गए थे, रात के शायद 10:30 या 11 बजे थे। मैं एकदम समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, और अपनी मां को बताने का मतलब मुझे अपनी मां को बताना पड़ा कि जिस शख्स के लिए वो अपना देश छोड़कर हमारे देश आई थी, जिसके प्रेम के लिए उन्होंने कई त्याग किए थे, हमारी संस्कृति सीखी, नए तरीके सीखे, इंदिरा जी से हमारी भारतीय सभ्यता सीखी, वो खत्म हो गए हैं। हम सभी अपने जीवन में सदमे से गुजरते हैं। हर कोई इस सदमे का सामना अलग अलग तरीके से करता है। पहले उन सदमों को खुद समझने, फिर इसे लेकर दूसरों से बात करने में लोगों को साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी गरीबी देखी, किसी को पता नहीं, हमेशा ही विवाद होता है। लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपने पिता और दादी को खोया, इस पर तो विवाद नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 साल से सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर हैं, फिर भी निरंतर गरीब के रूप में पेश करते हैं। उनके अंदाज में कहीं से सादगी नहीं, गरीबी का असर आपको दिखेगा नहीं, लगेगा कि बादशाह होने की इच्छा पूरी कर रहे हैं। इसलिए उनकी रैलियां, उनके मंच, उनका दफ्तर, उनकी बनाई इमारतों में आपको उन्हीं बादशाहों की तरह होने की चाहत दिखेगी, जिसे वो दिन रात अपने भाषणों में सल्तनत और शहजादा बोलकर कोसते रहते हैं। प्रियंका गांधी की इन बातों को मीडिया भावुक भाषण लिख देता है, जो कि है भी, लेकिन अगर यह किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा होता तो प्रियंका गांधी इसकी कॉपी देश भर में दोहराती, सारा भाषण इसी पर निकाल लेती। प्रियंका जिस तरह से याद कर रही हैं, उसमें केवल भावनाएं नहीं हैं, वे उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के बनाए नैरेटिव को चैलेंज करने का प्रयास कर रही हैं। इतिहास में लौटती हैं, फिर वहां से उसी के सहारे आज के मुद्दे पर आ जाती हैं। अपने भाषण में कभी भी जनता के मुद्दों से हटती नहीं, बल्कि बार बार कहती हैं कि धर्म के नाम पर भावुकता पैदा कर भटकाया जाता है। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर भी इन्हीं भावुक बयानों को अक्सर प्रमुखता दी जाती है, और मीडिया की रिपोर्टिंग में तो इसका जिक्र ऐसे ही आता है। लेकिन प्रियंका की इन बातों को क्या अलग तरीके से देखा जा सकता है? भारत की राजनीति में भाषणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कम होता है, और मैं मनोविज्ञान का एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन क्या प्रियंका इन प्रसंगों के जरिए केवल भावुक हो रही हैं? वोट की राजनीति बिल्कुल अलग धरातल पर तैयार होती है। प्रियंका गांधी जिस तरह से अपने पिता और दादी की शहादत के बाद परिवार के हालात को बयान करती हैं, क्या उससे इस परिवार पर नरेंद्र मोदी के लगाए दाग से बड़ी लकीर खींच पा रही हैं? इतना तो तय है कि प्रियंका गांधी को अपने बचपन और किशोर उम्र का ट्रॉमा पब्लिक में बोलने से राहत महसूस हो रही होगी। वे उस परिवार को फिर से पाने की कोशिश कर रही हैं जिसे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की राजनीति ने भारत की सारी बुराइयों का जड़ बना दिया, अय्याश की तरह पेश किया गया, जिसका जवाब प्रियंका सत्ता को संघर्ष से जोड़कर देने का प्रयास कर रही हैं। प्रियंका गांधी बताने लग जाती हैं कि राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी का जीवन किस तरह हमेशा के लिए बदल गया। मैं उनके कमरे में गई और जब मैंने उनको बताया तो उनकी आंखों में जो मैंने देखा, जैसा एक अंधेरा सा छा गया। और मैं आपको ये बात बता सकती हूँ कि उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ की हंसी कभी उस तरह नहीं सुनी जैसे जब हंसती थी जब पिताजी होते थे। मैं बहुत नाराज थी, देश से नाराज थी,
कि मैंने देश को अपनी अमानत भेजी, अपने पिताजी दिए और देश ने सुरक्षित नहीं रखे। मैं नाराज थी, दुखी थी। मैं सोचती थी कि मेरा दुख कोई समझ नहीं पाएगा। मेरे पिताजी वापस नहीं आए, टुकड़ों में खून से लथपथ एक झंडे में लपेटे हुए, उनके शरीर के टुकड़े में घर लगी। मेरी टूटी हुई माँ सालों के लिए ठीक नहीं हुई। उन्होंने पहले ही इंदिरा जी की हत्या का सदमा देखा था, अब अपने पति को खो डाली। बहुत दिनों के लिए खाती नहीं थी, सिर्फ नींबू पानी पीती थी, दो चार गिलास मुश्किल से जबरदस्ती करके खिलाती थी। बाहर नहीं जाती थी, किसी से बातचीत नहीं करती थी। 7 सालों के लिए घर के अंदर ही रही, ज्यादा बाहर गई नहीं, उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाई। अक्सर याद दिलाया जाता है कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा, लेकिन कभी यह भी याद दिलाना चाहिए कि आईटी सेल ने सोनिया गांधी का किस तरह से चरित्र चित्रण किया। कभी याद नहीं दिलाया जाता कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए किसी को कांग्रेस का विधवा कहा था। प्रियंका ने अपनी माँ के बारे में यह सारी बातें किसी बड़े मंच से नहीं कही, रायबरेली और अमेठी की उन सभाओं में कह रही हैं जहां संख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा लोग भी नहीं होते। प्रियंका गांधी बताने लगी कि जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तब उनके बच्चों पर क्या असर पड़ा। राजनीति में नहीं आते आते सोनिया गांधी राजनीति में आ ही गईं। 7 सालों बाद उनको लगा कि कांग्रेस पार्टी संकट में है। उस समय ऐसा लग रहा था कि एक और बार चुनाव आ रहा है, भाजपा उभर सकती है, कांग्रेस पार्टी टूटने वाली थी। तमाम नेता आ रहे थे उनके पास कि राजनीति में आइए, राजनीति में आइए। उनकी बेटी थी, बहुत कष्ट देखा था उनका। मैंने मना किया, मैंने कहा राजनीति में मत आओ, ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, संभल जाएगी पार्टी, कोई संभाल लेगा, कोई नेता बन जाएगा। माँ ने बात नहीं सुनी, मुझे कहा कि ये जो चित्र है तुम्हारे पिता का, जो मेरे कमरे में दीवार पे लटका है, इसको मैं नहीं देख पाऊंगी। अगर आज मैं मुंह मोड़ लूंगी, पार्टी के लिए आगे नहीं बढ़ूंगी, तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी, मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी। तो आगे आई, आगे आई तो ये स्पष्ट था कि पहला चुनाव उन्हें अमेठी से ही लड़ना था। ये पिताजी की कर्म भूमि थी, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं, लेकिन खुद अपनी पार्टी में परिवार के नाम पर टिकट देते हैं और परिवार से चलने वाले दलों से गठबंधन करते हैं। उनके परिवार की कड़ी में तो ब्रजभूषण सिंह का भी परिवार है और देवेगौड़ा का भी, जिनके पोते प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ कथित रूप से यौन शोषण और बलात्कार करने के वीडियो वायरल हो चुके हैं। सरकार को पता है कि 4 जून को देवेगौड़ा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मजबूत निर्णय लेने वाले मोदी प्रज्वल रेवन्ना को अभी तक भारत नहीं ला सके। बहुत कमजोर दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के रहते प्रज्वल रेवन्ना भाग गया, यह दलील काफी नहीं। बीजेपी के नेताओं ने पार्टी के नेतृत्व को बताया था कि यह व्यक्ति कैसा है, इसके पास हजारों वीडियो हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने गठबंधन क्यों किया, प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार क्यों किया, क्योंकि उन्हें वोट के लिए परिवारवाद बहुत पसंद है। 2014 के बाद से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बारी बारी से नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों को निशाना बनाते रहे हैं। राहुल गांधी को युवराज, शहजादा कहते हैं, जैसे किसी बादशाहत के वारिस हों,
और ये तथ्य गायब कर देते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत हुई थी। कभी भी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के मुद्दों पर नहीं आते, रोजगार और अग्निवीर पर राहुल गांधी के अभियान का जवाब नहीं देते, लेकिन अपने भाषणों में राहुल को शहजादा बताना नहीं भूलते। प्रियंका याद दिलाने लग जाती हैं कि जिसे शहजादा कहते हैं उसने पूरे भारत की पदयात्रा की है। नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ 10 साल में इतना झूठ फैल चुका है कि प्रियंका गांधी की इन कोशिशों से वह हटने वाला भी नहीं। कम से कम मुझे इसे लेकर भ्रम नहीं। क्या प्रियंका गांधी के ये भाषण मीडिया में, अखबारों में विस्तार से रिपोर्ट भी होते हैं? आप ही बेहतर बता सकते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टैक्स बचाने के लिए राजीव गांधी ने विरासत कर हटा दिया क्योंकि उन्हें मां की संपत्ति विरासत में मिल रही थी, प्रियंका गांधी इसका जवाब देते वक्त विरासत का मतलब बदल देती हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे, जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। 2014 के बाद आईटी सेल, गोदी मीडिया और बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू को लेकर भयंकर अभियान चलाया। भारत की हर समस्या का कारण नेहरू को बता दिया गया। भारतीय राजनीति के इस नायक को खलनायक के रूप में स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को मुसलमान बना दिया गया ताकि लोग उनसे नए सिरे से नफरत करें। हिंदू सुख में डूबे ऐसे कई सारे अंकिल आपके परिवार में होंगे। हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर तो मिलते ही हैं गंजी पहने हुए, ये इसे सच मानने लगे। अफसोस की बात है कि जब नेहरू के खिलाफ इस तरह का अभियान चलाया जा रहा था, कांग्रेस पार्टी उसका जवाब देने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। कई साल तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। इधर एक दो साल से कांग्रेस नेहरू को लेकर मुखर होने लगी है, उनका नाम गर्व से ले रही है। जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई में 9 साल जेल में रहे हैं। इस परिवार की बहुत सी जानकारियां किताबों में हैं, डॉक्यूमेंट्री में हैं और जनता के बीच भी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब को झुठला दिया, गायब कर दिया। 100 साल पहले यहाँ के किसानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन किया, उनका नरसंहार हुआ, 600 किसान मारे गए। उस समय जब वो आंदोलन हुआ तो इस बात के बारे में मेरे पूर्वजों ने, मोतीलाल नेहरू जी ने सुना, और उन्होंने अपने बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भेजा कि जाके देखो क्या हुआ, गरीब किसान खड़ा हो गया है इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ,
आंदोलन कर रहा है, आजादी मांग रहा है, जाओ शामिल हो। पंडित जी आना चाहे तो उस समय अंग्रेजों को पता चला कि जवाहरलाल नेहरू जी आ रहे हैं किसानों से बात करने के लिए, तो उन्होंने सब जगह पुलिस भेज दी उनको रोकने के लिए। पंडित जी एक ट्रक में बकरों के पीछे छुप के यहां तक पहुंचे, किसान आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और पहली बार जब वो गिरफ्तार हुए तो यहीं के किसानों के साथ गिरफ्तार हुए। एक और अंतर आपको दिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी आराम से नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जब अपने परिवार को लेकर दावे करते हैं तो उसकी भी कॉपी चेक होने लग जाती है कि कितना झूठ है कितना सच है। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने परिवार की बात अक्सर करते हैं और अब प्रियंका गांधी भी कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी लगे कि उन्होंने बहुत गलती की है, बहुत सारे झूठ बोल दिए हैं, अब जनता के बीच उसे स्वीकार करने का वक्त आया है, तो उन्हें प्रियंका गांधी के भाषण का यह हिस्सा सुनना चाहिए। कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। जब आपको कुछ ऐसा लगा कि किसी की नीति गलत है, तो आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को, जो प्रधानमंत्री थी, उनको भी आपने दंड दिया और उनको भी आपने हराया। ये आपकी परंपरा रही है। इंदिरा जी ने आपसे सीखा, जब आपने हराया नाराज नहीं हुई, जब आपने हराया आप पे गुस्सा नहीं निकाला जैसे आजकल नेता करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता कुछ कह रही है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे सीखना है, मुझे सुधरना है। और उसके बाद 3 साल बाद जब फिर से चुनाव लड़ने आई अपनी गलतियों को समझकर, तो आपने उनको फिर से जिताया। अपनी गलती मान लेना नरेंद्र मोदी की राजनीति का हिस्सा नहीं है। गलती पकड़े जाने से पहले वे भावुक होकर कुछ भी बोल सकते हैं। नोटबंदी के समय गोवा में रोते हुए कह दिया, अगर मेरी गलती निकल जाए तो जो सजा दी जाए उसके लिए तैयार हूं। जब नोटबंदी के नुकसान आने लगे तो उन्होंने कभी अपनी गलती नहीं मानी। प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली अपने संस्मरण सुनाने नहीं गई हैं। उन्हें पता है कि दोनों सीटों पर जिताने की जिम्मेदारी उनकी है और यह लड़ाई बहुत मुश्किल। स्मृति ईरानी के पास जो संगठन है, संसाधन है, उससे केवल जनसंवाद से ही वो लड़ सकती हैं और एक एक वोटर तक पहुंचकर ही। इसलिए प्रियंका गांधी यहां खुद को संगठनकर्ता के रूप में पेश करना चाहती हैं। याद दिलाती हैं कि कैसे उन्होंने सोनिया गांधी को चुनाव लड़ाया और उसके बाद राहुल गांधी को, और अब किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ा रही हैं। सच बताओ तो जब ये तय हुआ, कि वो चुनाव लड़ेंगी अमेठी से, तो एक शाम को उन्होंने मुझसे कहा, प्रियंका कैसे करूंगी, मैं तो कभी चुनाव लड़ी नहीं हूं। पलक नहीं झपकाई मैंने, कहा मां ये चुनाव मैं आपको लड़के दूंगी, आप आओ मत अमेठी, मैं अमेठी को संभालूंगी। और मैं आपको बताऊं मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मेरे पिताजी शहीद हुए तो मैं नाराज थी, दुखी थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा दुख नहीं समझ सकता। लेकिन फिर कुछ हुआ, उनके अंतिम संस्कारों के बाद हम अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद आए, ट्रेन से आए, वो ट्रेन यहां अमेठी और रायबरेली से गुजरी। मैं बहुत दुखी थी, ट्रेन में बैठी थी, रात हो गई थी, ट्रेन यहां के स्टेशन पे रुकी। मुझे आज तक वो क्षण याद है, मैंने खिड़की से बाहर देखा और मैंने देखा कि ये तो बहुत लोग मेरी तरह रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं,
तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो दुख मुझे महसूस हो रहा है वो तो यहाँ की जनता को भी महसूस हो रहा है। यहाँ के जो कार्यकर्ता थे जो सारे इंतजार कर रहे थे बीच रात में कि राजीव जी को एक अंतिम बार देखेंगे, उनकी अस्थियों को देखेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, उन सब के दिलों में वही दुख था जो मेरे दिल में था। आपने मेरे दुख के पल में, मेरे दुख के पल में आपने मेरा साथ दिया। मैं समझी कि मैं अकेली नहीं हूं इस दुनिया में, कि सिर्फ मुझे दुख नहीं हो रहा है, मेरे परिवार को दुख नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरी माँ टूटी नहीं है, मेरे भाई नहीं टूटे हैं, लेकिन अमेठी की जनता मेरे साथ रो रही है, क्योंकि उनका भी भाई, उनका बेटा चले गया। किशोरीलाल शर्मा की उम्मीदवारी जब तय हुई तो कई लोगों ने उन्हें परिवार का आदमी, मैनेजर, क्या कुछ नहीं कह दिया, लेकिन ट्विटर पर जिस तरह से किशोरीलाल शर्मा मीडिया को जवाब दे रहे हैं और सबको बुलाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, पता चलता है कि वे एक राजनेता भी हैं। वे चुनाव किसी के लिए नहीं, अपने लिए भी लड़ने वाले नेता हैं। आप कल्पना कीजिए, किशोरीलाल शर्मा ने अगर स्मृति ईरानी को हरा दिया तो क्या होगा? स्मृति ईरानी भले ही किशोरीलाल शर्मा को ज़्यादा तवज्जो ना देती हों, लेकिन अब उन्हें अमेठी में राहुल की जगह किशोरीलाल शर्मा तो दिखाई देने लग ही गए होंगे। आप प्रधानमंत्री की सभाओं में जाइए, देखिए, उम्मीदवार का नाम शुरू में और आखिर में लिया जाता है। पोस्टर में तो अकेले प्रधानमंत्री ही होते हैं, उम्मीदवार नजर नहीं आता, लेकिन प्रियंका अपनी सभाओं में किशोरीलाल शर्मा का बार बार जिक्र करती हैं। मंच पर और कैमरे के फ्रेम में किशोरीलाल उनके पीछे, उनके साथ अक्सर दिखाई देते हैं। पता चलता है कि उम्मीदवार कौन है और प्रचार करने वाला कौन। मोदी की सभा में सबको मोदी मोदी होना पड़ता है। आप में से बहुत चेहरे में पहचानती हूँ, बुग्गी जी बैठे हैं उस समय, लेकिन आप कांग्रेस में नहीं थे शायद। आ गए उसके बाद, वापस आ गए उसके बाद। बहुत चेहरे में पहचान रही हूँ। आपको याद है किन परिस्थितियों में हमने वो चुनाव लड़ा। मैं आई, आज मेरा बेटा 24 साल का है, उस समय मैं शायद 28 साल की थी। उसको देखती हूँ और कभी कभी यकीन नहीं आता कि उसी की लगभग उसी की उम्र में मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पहुंची। उस समय कैप्टन शर्मा सांसद थे, उन्होंने मुझे कहा, ये लो प्रियंका, मैं तुम्हें एक हीरा दे रहा हूं, और उनके साथ किशोरीलाल शर्मा खड़े थे। उन्होंने मुझे ये शब्द कहे, याद रखना ये आदमी वफादार रहेगा, और याद रखना जैसे ये काम करके दिखाएगा तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे। किशोरी भैया ने और मैंने किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़ा आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और अमेठी रायबरेली की राजनीतिक स्थिति अक्सर अलग हो जाती है। प्रियंका गांधी के भाषणों में मुद्दों की खूब बातें होती हैं, हमने आज उस पर कम फोकस किया है, लेकिन रायबरेली की सभा में वे पेपर लीक से लेकर सांड के आतंक का भी मुद्दा उठाती हैं। वक्त मिला तो यह भी देखने का प्रयास किया जाएगा कि बीजेपी अमेठी से खुद को कैसे जोड़ती है। स्मृति ईरानी अक्सर याद दिलाती हैं कि राहुल गांधी परिवार को भूल गए, वायनाड को परिवार बना लिया, स्मृति ईरानी ने अमेठी में घर बना लिया है। लेकिन उसके बाद पूरे देश में एक नई तरह की राजनीति आई, एक राजनीति जो शायद हम जैसे लोग शुरू में समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी सभ्यता ही अलग थी, हमारी समझ ही अलग थी। हमें सिखाया गया था कि जनता के सामने झूठ मत बोलो, हमें सिखाया गया था कि जनता का आदर करो, हमें सिखाया गया था कि जनता सर्वोपरि है, और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक नई राजनीति उभर रही है जो जनता के जज्बातों का इस्तेमाल कर रही है, सत्ता बटोरने के लिए जनता को गुमराह कर रही है। यहाँ अमेठी में आए ये लोग क्या समझेंगे,
स्मृति जी क्या समझेंगी, ये तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी आई, ये तो राहुल जी को हराने के लिए आई। अमेठी की लड़ाई को आसान समझना, नतीजे बता देना, इन सब बातों से दूर रहिए। देखिए कि लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। एक सवाल पूछ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी जाएंगे, स्मृति ईरानी के लिए प्रचार करेंगे? स्मृति ईरानी मोदी का परिवार लिखती हैं और परिवार के मुखिया ही प्रचार करने अमेठी ना जाएं तो बात जमती नहीं। यहां किशोरी लाल शर्मा को बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता है। क्या आपने नोट किया है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं, प्रियंका गांधी को शहजादी नहीं कहते। वे प्रियंका के आरोपों पर सीधे जवाब भी नहीं देते, कभी दिया हो तो अलग बात है, मगर इनकी बेटी उनकी बेटी कहकर नहीं बोल पाते। क्या इस बार प्रियंका गांधी उन्हें मजबूर कर देंगी कि प्रधानमंत्री नोट करें और उनकी पिच पर आकर जवाब दें? बहुत दिनों के बाद राहुल का नाम नहीं लेते लेते प्रधानमंत्री ने उन दोनों का नाम ले लिया जिनका नाम राहुल रोज लेते हैं, अंबानी और अदानी का। नमस्कार, मैं रविश कुमार।